सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते दीदी जी। भैया हम लोग इसी का साइड से कर सकते हैं क्या? हाँ स्लाइड रहने दे सकते हैं, जी जरूरत पड़ेगी तो असाइनमेंट रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक जी भैया। है, हम लोग पिछले कुछ दिन अपने आप को समझने का काम किए, कॉन्शियस यूनिट को समझने का काम किए, कॉन्शियस यूनिट के 10 क्रियाओं को समझने का काम किए, पिछले कुछ दिनों से एग्जिस्टेंस को समझने का काम कर रहे। व्हाट एग्जिस्टेंस इज, ये बात ध्यान में आई कि अगर हम एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो दो तरह की इनिशियल वास्तविकताएं दिखती, इकाइयां और शून्य। शून्य जिसका आकार सीमित है, इकाई जिसका आकार सीमित है, शून्य जो हर जगह फैला हुआ है। इकाइयां क्रियाशील है, तो अपने आप में क्रिया है, स्पेस में कोई क्रिया नहीं हो रही, क्रिया शून्य है, इसलिए उसको शून्य भी कह रहे हैं। स्पेस पारदर्शी है, इकाइयां परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। इस तरह से अस्तित्व में हम लोग दो वास्तविकताओं पर ध्यान देते देख पाते हैं, इकाई और स्पेस। जब इकाइयों पर ध्यान देते हैं तो दो तरह की इकाइयों को देख पाते हैं, जड़ इकाई और चैतन्य इकाई। जड़ इकाई में देखें तो उसमें पहचानना निर्वाह करना दिखता है, चैतन्य इकाई में जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना। तो या तो जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना, या बिना जानने के मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करना। लेकिन ये दोनों तरह की इकाइयां हैं, दोनों तरह की वास्तविकता है। जब हम अपने शरीर की तरफ देखते हैं, शरीर एक जड़ इकाई है, सेल्फ को देखें तो सेल्फ एक चैतन्य इकाई है। शरीर में भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, सेल्फ में भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। शरीर की क्रियाएं पहचानने निर्वाह करने के आधार पर होता हुआ हम अपने में देख पाते हैं, सेल्फ में पहचानने निर्वाह करने की क्रिया तो चल ही रही है, साथ में जानने मानने की क्रिया भी हम अपने भीतर देख पाते हैं। जिस चेयर पे बैठे हैं उसमें भी पहचानना निर्वाह करना चल रहा है। इस मोबाइल से या कंप्यूटर से जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, जिसके आधार पर यह पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है। सभी जड़ इकाइयों में पहचानना निर्वाह करना और सभी चेतन इकाइयों में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना। तब हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो अनंत इकाइयां हमको अपने आसपास दिख रही हैं, कौन सी इकाइयां सिर्फ जड़ इकाइयां हैं और कौन सी इकाइयां जड़ और चैतन्य दोनों का कोएक्सिस्टेंस। उसको जब देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि परमाणु है, परमाणु में पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है, अणु बना रहा है, एक अणु दूसरे अणु को साथ स्पेस में रहते हुए स्पेस के को एग्जिस्टेंस में उर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, और परस्परता में दूसरे परमाणु के साथ दूसरे अणु के साथ पहचानना निर्वाह करना करते हुए अणु रचना बना रहे। इस तरह से ये बड़े बड़े ग्रह, गोल, पिंड, ये सब बन रहे हैं। एक दूसरे तरह का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको सेल कह रहे हैं। इस सेल को देखें तो सेल के होने बने रहने के लिए जो रस है, एक दूसरे तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो सेल है, प्राण कोशा, ये जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में पेड़ पौधे, एक दूसरे तरह के मल्टी सेलुलर और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में पशु शरीर, और एक तीसरे तरह के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में मानव शरीर, ये सबको हम लोग प्राण अवस्था के इकाई के रूप में देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ इकाइयां, पिछली जो मानव शरीर है, पशु शरीर है, इसमें से कुछ इकाइयां सेल्फ के साथ एसोसिएट हो पाती, तो जिन इकाइयों में ब्रेन डेवलप है वो उसका सेल्फ के साथ एसोसिएशन हो पाता है। तो जब पशु शरीर के साथ किसी सेल्फ का एसोसिएशन हो रहा है तो जीव अवस्था में है। जीव अवस्था की पहचान ये है कि उसका पहचानना निर्वाह करना उसके मानने के आधार पर दिखाई देता है।
जानने की क्रिया बहुत उस पर प्रोमिनेंटली नहीं दिखती। मानव शरीर को देखें, जब वो सेल्फ के साथ एसोसिएट होता है, तो चौथे तरह की अवस्था देख पा रहे हैं, ज्ञान अवस्था, जिसमें पहचानना, निर्वाह करना तो देख ही रहे हैं, मानना भी देख रहे हैं, लेकिन जानने की क्रिया भी देख रहे हैं। जितना जितना जानने का काम हो पाता है, उतना उतना हम B1 ब्लॉक में भी, मतलब अपनी जितना जितना हम B1 ब्लॉक में एक तरह से अपनी क्रियाओं में अवेकेंड हो पाते हैं, उतना ठीक ठीक एग्जिस्टेंस को जान पाते हैं। और वैसा हमारा मानना हो पाता है, वैसा फिर हमारी कल्पनाशीलता ठीक हो पाती है, व्यवस्थित हो पाती है, अकॉर्डिंगली हम व्यवहार कार्य कर पाते। तो ज्ञान अवस्था में जो मुख्य काम है वह तो जानने का है, अपने को, इस एंटायर एग्जिस्टेंस को, अपना जो इस एंटायर एग्जिस्टेंस में भागीदारी है, इसको, तो इसको जानने का मुख्य काम है जो सेल्फ में होना है, जानने के आधार पर मानना, उसके साथ पहचानना और निर्वाह करना। इस पूरे अस्तित्व को देखें तो इसमें इकाइयां शून्य के अस्तित्व में उर्जित, स्वयं में व्यवस्थित और परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। ये परमाणु से लेकर पूरे सौर मंडल तक, आकाश गंगा तक, इसको हम अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। एक एटम को हम आप व्यवस्थित नहीं कर रहे, हम आप उसकी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम आप एक एटम को मजबूर नहीं कर रहे कि वो दूसरे एटम के साथ संबंध को पहचाने और निर्वाह करे। शून्य के अस्तित्व में रहते हुए एटम खुद शून्य के अस्तित्व में उर्जित है, अपनी व्यवस्था को बनाए हुए है, परस्परता में दूसरे एटम के साथ संबंध को पहचान कर निर्वाह करते हुए मॉलिक्यूल बना रहे। कोई मानव उसको ये सब करने के लिए विवश नहीं कर रहा, को एग्जिस्टेंस में, स्पेस के को एग्जिस्टेंस में रहते हुए को एग्जिस्टेंस पूर्वक की तीनों क्रियाएं होती ही दिख रही हैं। पृथ्वी में भी देखेंगे तो पृथ्वी शून्य के अस्तित्व में उर्जित है, स्वयं व्यवस्थित है, परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पूरे सौर मंडल। इस तरह से हर इकाई में देख सकते हैं कि हर इकाई शून्य के अस्तित्व में उर्जित है, परस्परता में व्यवस्था को बनाए हुए है, परस्परता में संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। इसको हम अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके हर एक इकाई के लिए, जिन भी इकाइयों को देख रहे हो उसके लिए, को रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं इस पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे को एग्जिस्ट पूरे एग्जिस्टेंस में, किन इकाइयों को हम ना कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ पहचानना, निर्वाह करना है, अर्थात या तो ये सिर्फ मटेरियल है या प्राण अवस्था है, और किन इकाइयों में ये जो जड़ है, जड़ के साथ साथ चैतन्य भी है। तो जहां जहां कम से कम जिन जिन इकाइयों में आपको मानना दिख रहा है, या फिर जानना और मानना दोनों दिख रहा है, तो आप कह पाते हैं कि इसमें चैतन्य भी है, सेल्फ भी है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करके अपने भीतर देख सकते हैं। अभी और ठीक से देखें तो ये जो पूरा एग्जिस्टेंस का स्पेस है, इतनी इकाइयां हैं, पर्यानंत इकाइयां अपनी व्यवस्था को बनाए हुए, परस्परता में व्यवस्था संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, और ये पूरा अस्तित्व सजा हुआ है। इसमें मानव का कितना रोल है, मानव का इस व्यवस्था को बनाए बनाने में कितना रोल है, या ये पूरा अस्तित्व अस्तित्व पूर्वक सजा हुआ है, उसमें हम आप भी, और हम भी स्पेस के को एग्जिस्टेंस में, मेरे हमारा हमारा सेल्फ भी स्पेस के अस्तित्व में उर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, और परस्परता में दूसरी जड़ इकाइयों को, चेतन इकाइयों के साथ संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। एक इन सबको हम अपने भीतर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। कल के दिन बहुत सारा रिफ्लेक्शन आप लोगों ने किया होगा, इस पर कुछ प्रश्न बने होंगे, कुछ शेयरिंग होगी आपकी, तो आपके प्रश्नों को और आपके ऑब्जर्वेशन को सुनते हैं। जी भानु भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ जी भैया, जानने के बारे में थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट चाहिए थी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश सेशन में भी, अभी कि हम ह्यूमन बीइंग को जानने के आधार पे अगर थोड़ा सा अलग करते हैं, तो हम जानकर ये जो कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, वो तो गलत ही कर रहे हैं ना। मतलब बाकी सारी जो जीव सृष्टि है वो
वो मानने के आधार पे है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है सारी अर्थ के लिए, और हम जानने के आधार पे सब जो अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी समझते हैं मानव को, तो वो जानकर जो भी मानव समूह ने अब तक किया है, मतलब मानव समूह अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाके देखे तो लोग पशु अवस्था में था, तो तब तो मानव समूह भी कॉम्प्लीमेंट्री था नेचर के लिए, पर जैसे जैसे हमारे सिविलाइजेशन हुआ हमने फिर सारे संसाधनों का दोहन करना शुरू किया, या फिर हमने जो तो जानने के आधार पे हमने आखिर में क्या कर लिया भी है, मतलब उस अर्थ में अगर देखे तो जानकर हमने क्या क्या मानव समूह ने जानकर मतलब सृष्टि का नाश कर दिया, ये हमारे रिलेशंस में थोड़ी सी ये चीजें लाई है, तो फिर हमने क्या जाना है, मतलब मानव समूह ने जानने के आधार पे अपने आप को ज्ञान के स्तर पर थोड़ा सा ऊपर में अपने आप को अलग कैटेगरी में हम कैसे इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे भैया? जी भैया, तो अभी देखेंगे तो हम पूरे अस्तित्व को सिर्फ मटेरियल मान सकते हैं और अपने आप को सिर्फ शरीर मान सकते हैं। ये मानने की क्रिया हमारे भीतर हो सकती है। पूरे अस्तित्व को जब हम मटेरियल और अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं तो अपनी सारी आवश्यकताओं को मटेरियल से ही पूरा करने चाहते हैं, और जब मटेरियल से सारी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो चैतन्य की आवश्यकताएं जो निरंतर हैं, सम्मान की, सुख की, वो उस सब के लिए पूरी नहीं पड़ती। तो हमें लगता है और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, तो हम ये सारा दोहन करते चले जाते हैं। तो इसके मूल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मानना जानने के आधार पर नहीं है, इसलिए हम खुद के लिए भी डिसहार्मनी और अनहैप्पीनेस की स्थिति में हैं और बाहर भी उसका क्योस कर रहे हैं। उसकी जगह अगर हम ठीक से अपने भीतर जानने की क्रिया पर फोकस करते हैं, जानना भी, जानने की जो पोटेंशियल हमारे भीतर है उसको एक्चुअलाइज करते हैं और उसको जानने के आधार पर मानना शुरू करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि आदमी सिर्फ मटेरियल नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस भी है और मटेरियल भी है। पूरा एग्जिस्टेंस भी सिर्फ मटेरियल नहीं है, उसमें मटेरियल भी है और स्पेस भी है। तो जैसा अस्तित्व है उसको एज इट इज जानना उसका हमारे में हो पाता है। फिर उसके आधार पर जब हम मानना का काम शुरू करते हैं तो हम अपनी बॉडी की आवश्यकता को मटेरियल से और सेल्फ की आवश्यकता को चैतन्य से, अर्थात सही समझ और सही भाव से पूरा करते हैं। तो फिर हम इस पूरे अस्तित्व में जो व्यवस्था है, सास्तित्व है, संबंध का पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, उसको हम अपने में देख पाते हैं और हम भी सास्तित्व पूर्वक जीने का निर्णय बना पाते हैं। तो पदार्थ अवस्था के साथ भी, प्राण अवस्था के साथ भी, जीव अवस्था के साथ भी, ज्ञान अवस्था के साथ भी, जो पूरे अस्तित्व में हमको सास्तित्व संबंध और व्यवस्था स्पष्ट हो रहा है, उसको समझकर हम भी उसी अर्थ में जीने का निर्णय बना पाते हैं। और जब भी संबंध व्यवस्था और सास्तित्व के अर्थ में जीने के लिए अपनी कल्पनाशीलता को फैलाते हैं, हम अपने भीतर हारमोनी महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, और जब भी वैसा रिफ्लेक्ट करके बाहर जीते हैं तो बाहर भी व्यवस्था में उचित भागीदारी कर पाते। लेकिन सिर्फ अपने को शरीर और अस्तित्व को मटेरियल मानकर जब जीने का इतना गहरा अभ्यास हम करते जा रहे हैं तो खुद में भी हम डिससेटिस्फाइज, कंट्राडिक्शन, अंतर्द्वंद, ये सब महसूस करते रहते हैं, चाहे एसी कमरे में रहें चाहे फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में चले, हमारी डिसहार्मनी बनी रहती है क्योंकि एग्जिस्टेंस में जो को एग्जिस्टेंस है, संबंध है, व्यवस्था है, अस्तित्व है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, उसको नहीं समझ पा रहे, और अपने अंदर पूरे मटेरियल वर्ल्ड का शोषण करने, पूरे नेचर का शोषण करने का और उस पर ना मास्टरी करने का बहुत कुछ चला रहे हैं। इसके कारण अपने भीतर बहुत तरह की बेचैनी महसूस करते हैं। तो आपके प्रश्न के संदर्भ में रादर मैं ये कहूंगा कि जानने की पोटेंशियल तो आदमी में है, लेकिन उसका प्रयोग करके एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है ये जानकर फिर मानने का काम करते हुए पहचानना निर्वाह करना अगर कर रहे हैं तो हम भी अस्तित्व की इस व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं। जब वो जानना पूरा नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं, उसके आधार पर हम मानने के स्तर पर ही ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो जानना हुआ नहीं, जानने का पोटेंशियल तो है ना, इतनी बात कहूंगा भैया। नहीं, बस वही था मेरा कि ये तो हम जो बोल रहे हैं कि आदर्श समाज निर्माण करने के लिए ह्यूमन बींग जानना है, बट हमें जानना है इसका तो उदाहरण ही कहीं नहीं है, मतलब जितनी भी
चर्चाएं हो रही है ह्यूमन बीइंग के, अभी जो वो यूक्रेन वाली बात बोलो या फिर तुम्हारी अभी ये जो रैश ड्राइविंग वाली बात, तो हमारी ह्यूमन सोचा कि हम जो इसमें कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग में एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग तो वो ये दिख रहा है कि उनमें जानना नहीं, होके भी जानना है ऐसा दिखता है, मतलब पशुओं में या इसमें, क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं किसी नेचर को, और हम मतलब मानने के आधार पे ही जी रहे हैं ऐसा ओवरऑल दिख रहा है ह्यूमन बीइंग को, ऐसा पोटेंशियल है बट उसको कहीं पर भी मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है वो, यही दिख रहा है भैया। कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा, ये कहने की जगह ये कहना ज्यादा ठीक है कि ज्यादातर लोग अभी बहुत सारा खुद को शरीर और पूरे एग्जिस्टेंस को मटेरियल मानकर जीने के लिए विवश है और उसमें अतृप्त हैं खुद और बाहर भी डिसहार्मनी फैला रहे हैं। क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम की डिजाइनिंग को हम देखें तो आदमी को शरीर और पूरे एग्जिस्टेंस को मटेरियल की तरह है ना मानकर बहुत सारा पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है, तो वैसी मान्यता हो जा रही है। तो पूरे एजुकेशन में ही अगर ये बात पूरे एग्जिस्टेंस के कंप्लीटनेस की प्लेस हो पाए, उसमें कॉन्शियस का भी अध्ययन हो पाए, मटेरियल शरीर जड़ शरीर का भी अध्ययन हो पाए, इस मटेरियल संसार का भी अध्ययन हो पाए, स्पेस का भी अध्ययन हो पाए और एज ए होल पूरा एग्जिस्टेंस व्यवस्था है कि अव्यवस्था है इसका भी अध्ययन हो पाए, तो आदमी पूरे एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा समझने के तरफ प्रयासरत होगा, तत्पर होगा, तो कंप्लीटनेस में चीजों को देख पाएगा, अपनी भागीदारी को देख पाएगा, तो आगे और बेहतर निर्णय ले सकता है। उदाहरण के तौर पे एक आदमी की मान्यता अगर ठीक नहीं है तो अपने पूरे शरीर यात्रा में करोड़ों पेड़ काट के फेंक सकता है ना, करोड़ों जीव जंतुओं को मार सकता है भले वो शाकाहारी हो, है ना। उसी की जगह अगर उस आदमी का जानना ठीक हो जाए, जानने के आधार पर मानना ठीक हो जाए, तो अकेला आदमी करोड़ों पेड़ लगा भी सकता, तो आदमी में जो जानने की क्रिया है ये ठीक हो जाए कर सके आदमी अपने में, उसको जो जानने की क्रिया है उसको एक्चुअलाइज कर सके, उसके आधार पर अपना मानना ठीक कर सके, तो अभी भी आदमी ज्यादा बेहतर अपने लिए भी कर सकता है, अपने में हार्मनी के लिए भी और एक्सिस्टेंस में भी बेटर पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो ये जानने की क्रिया प्रॉब्लम है ये भी हम सोच सकते हैं, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जानने की क्रिया प्रॉब्लम नहीं है, जानने को हम ठीक ढंग से एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मानने के आधार पर प्रयास कर रहे हैं इसलिए अतृप्त है। तो ध्यान दे लें अब जानने के ऊपर और एग्जिस्टेंस को भी समझ लें, सेल्फ को भी समझ लें, बॉडी को भी समझ लें, शिक्षा में भी अकॉर्डिंगली जो भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो कर लें, तो पूरी पृथ्वी और व्यवस्थित हो सकती है, एक व्यक्ति व्यवस्थित हो सकता है। जी भैया जी, बस ये यही मतलब कंक्लूड हम अभी कर सकते हैं कि जानना ये जो है ये पोटेंशियल है हम में और उसको हम कर सकते हैं, अभी करने की दिशा में हमने बहुत कुछ कर लिया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें सब हम मतलब आदर्श सोसाइटी आदर्श इंसान जो करेगा जो मतलब ये सब दिख जाए उसको, उस दिशा में हमारे प्रयत्न चल रहे हैं, हमने जान लिया है, जानकर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण अब तक इसमें ह्यूमन बीइंग में दिख नहीं रहा है, मतलब अब तक की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन सोसाइटी का अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कम ज्यादा तो मतलब हमने सीधे चीजों को बिगाड़ते आ रहे हैं, बिगाड़ते आ रहे हैं, हम ही जो अभी ये तो चीजें कर रहे हैं। अभी भी जी देखेंगे ना भैया, तो अगर देखेंगे तो पूरा जो मटेरियल संसार है ना, या पूरा जो एग्जिस्टेंस है, आपको उसमें व्यवस्था अधिक दिख रही है कि अव्यवस्था अधिक दिख रही है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन पूरे एग्जिस्टेंस? नहीं, वो तो है भैया, ट्रस्ट एक मतलब विश्वास के आधार पर दुनिया चल रही है, व्यवस्था है और अभी आप वो देखेंगे है, तो बट ये कंपैरिजन सुबह, की बात मैं कर रहा था भैया, हाँ अगर कंपैरिजन वही कह अगर रहा हूँ, इसको मतलब थोड़ा टोटालिटी में देखें, आपका एक कंसर्न तो ठीक है बट इसको टोटालिटी में देखें तो सही इवेल्युएशन कर पाएंगे, तो दिखेगा कि सूरज चांद तारे ये पूरी आकाश गंगा व्यवस्था में है, इनको व्यवस्थित करने के लिए हम आप कुछ कर नहीं रहे, ये व्यवस्था में है, एक परमाणु से लेकर के पूरा पृथ्वी की व्यवस्था में है, हमारे शरीर में करोड़ों सेल है ना, सैकड़ों हड्डियां हैं, यह व्यवस्था में बनी हुई है, पेड़ पौधे मिट्टी पानी हवा ये भी व्यवस्था में है,
पशु पक्षी ये सब व्यवस्था में है ना, और ये पूरा अस्तित्व सजा हुआ है अभी भी। 99.99% सब व्यवस्था में ही, 0.001% आदमी में जानना ना होने के कारण आदमी खुद डिसहार्मनी में है और बाहर उसका रिफ्लेक्शन जा रहा है, फैल रहा है उसके कारण डिसहार्मनी, जहां जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है। फिर हम जानना अगर होने पे ये क्यों बोलते हैं भैया? जानने का पोटेंशियल ऐसे बोलना चाहिए, जानना कि भैया जी हमारे में जानने का ऐसा पोटेंशियल है, हाँ ये ठीक है, जानने का पोटेंशियल है आदमी में, है ना। तो अभी भी हम ध्यान दें तो बहुत सारा चीजें तो व्यवस्था में ही, हमारे पास अब दो ऑप्शन है, अस्तित्व में सअस्तित्व को, व्यवस्था को, व्यवस्था में भागीदारी को समझकर वैसा कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करते हुए बाहर व्यवहार कार्य करना, या उसको बिना समझे कुछ एज्यूम करके अपनी कल्पनाशीलता को अकॉर्डिंगली चलाकर बाहर व्यवहार कार्य करना, ये दो ऑप्शन है। तो जब भी हम अस्तित्व की व्यवस्था को, सअस्तित्व को समझकर वैसा अपना कल्पनाशीलता सुनिश्चित कर बाहर व्यवहार कार्य करते हैं तो हम में सुखी होने का इंडिकेटर जलता है, और जब भी हम उसको इग्नोर करते हैं, कल्पनाशीलता में अव्यवस्था फैलाते हैं, तो हमारे अंदर खुद ही एक बेचैन होने का, दुखी होने का इंडिकेटर चलता है। तो हम ये जो सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भी सअस्तित्व का ही एक रिफ्लेक्शन है। हम अपने मनमाने ढंग से सुखी और दुखी नहीं हो रहे, तो एक तरह से एग्जिस्टेंस ने हमको ये अवसर तो दिया है कि हम व्यवस्था का भी कल्पना कर सकते हैं, अव्यवस्था का भी, और दोनों को एग्जीक्यूट कर सकते, लेकिन उससे सुखी होंगे कि दुखी होंगे उसमें चॉइस नहीं। जैसा अस्तित्व है वैसा समझकर अपने भाव विचार को ठीक कर वैसा जीते हैं तो सुखी होते हैं, वैसा नहीं जीते हैं तो दुखी होते हैं। ये डिजाइन भी कोएग्जिस्टेंस का ही है, हमने आपने अपने मनमानी ढंग से डिजाइन नहीं किया। तो पूरे में देखेंगे तो मुख्य बात तो यह है कि जो ये पूरा अस्तित्व है, एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में जो जीने का काम है उसमें जानने का एक मुख्य क्रिया है, B1 ब्लॉक में बाकी क्रियाओं में एक्टिवेट होना एक मुख्य काम है, उसको अगर हम कर पाते हैं तो हमारा जानना कंप्लीट हो पाता है, अन्यथा जानना कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जितना जानना होता है उसको सही सही मान लेते हैं, जितना जानना नहीं हो पाया है उसकी जगह पर कुछ मानने का काम करके चलते रहते हैं, उसको भी जान लें, ना ही तो बात है भैया। ठीक जी, इसको एक्सप्लोर करते हैं भैया। थैंक यू। नमस्कार 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 भानु भैया, नमस्कार सभी को। मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूंगा, वो जो स्लाइड अभी दिख रहा है इसको क्लियर नहीं हुआ। जो क्रिया का बात है, गति और स्थिति, इसमें 5 और 5 10 है, 10 एक्टिविटी है और उसमें एरो दिया हुआ है B1 B2। इसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा था, जो अगर अवेकनिंग नहीं हुआ तो ये 4 साढ़े 4 तक हम कन्फाइंड रहते हैं, अगर अवेकनिंग हुआ तो पूरा 10 में पहुंचते हैं। तो ये एरो से क्या मतलब है, एक दूसरे से कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा एक सवाल है, ये को एग्जिस्टेंस लेके अगर सब स्थिति में है, को एग्जिस्टेंस में ऑर्गेनाइज है, तो ये जब नेचुरल कैलामिटी जैसा होता है तो वो बिगड़ता रहता है, तो वो भी क्या को एग्जिस्टेंस का पार्ट है? जैसा ह्यूमन में देखेंगे, जैसा जो बीमारी के लिए, ह्यूमन के लिए ये वैक्सीन तैयार करने पड़ेगा पड़ा है, वो नेचर नेचर से ही क्या ऐसा है जो कि वो बीमारी, जैसा कोरोना आ गया, जैसा दूसरे बीमारी आ गया, उसके लिए वैक्सीन डेवलप करने पड़ रहा है? को एग्जिस्टेंस में रहेंगे तो ऐसा बीमारी नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग में होता है जो वो आना नहीं चाहिए, लेकिन उसको हमें सीरियसली वैक्सीन दे के वो अपने को सेव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए ये करने पड़ा है। तो ये दो चीज थोड़ा मेरा समझना चाह रहा था। जी, तो पहले प्रश्न को पहले आपके देख लेते हैं। तो जैसे राइट जो हमारा सेल्फ है, कॉन्शियस है, उसकी 10 क्रियाओं को देखें। दीदी कॉन्शियस यूनिट वाला स्लाइड लगा देंगी क्या, जिसमें कॉन्शियस यूनिट थोड़ा बड़ा है सेल्फ।
इसमें भी दिख रहा है, जी इसमें एरो दिया हुआ है, बढ़िया दिख रहा है। जी तो अगर देखें तो एक छोटे से उदाहरण से उसको समझ सकते हैं। जैसे चयन आस्वादन का एक क्रिया है और तुलन विश्लेषण का एक क्रिया है ना, चित्रण का एक क्रिया है। इतने में अगर देखेंगे तो एक कनेक्शन ठीक से दिख जाता है। ऊपर अवेकेंड होंगे तो उसका भी दिख जाएगा, उदाहरण के तौर पे है ना। हमने सुखी होने का कोई एक चित्रण बना रखा है कि ऐसा खाएंगे तो उससे कुछ संवेदना मिलेगी, उससे सुखी हो जाएंगे। तो उस अर्थ में हम हमारे भीतर देखेंगे तो ये जो सुखी होने का संवेदना से, भोजन से जो संवेदना मिल रही है, उससे सुखी होने का जो चित्रण बना रखा है हमने अपने, उसको और आगे फैलाने। इसी में थोड़ा एग्जाम्पल देके देने से हाँ, मैं प्राप्त किया। उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब राइट जो खाना खा के उससे जो संवेदना मिल रही है उससे हम सुखी हो सकते हैं, उसका हमारे भीतर एक चित्रण है। उस अर्थ में अब हम तुलन शुरू करते हैं तो तुलन में देखेंगे तो हमारे भीतर प्रिय की दृष्टि है या हित की दृष्टि है या लाभ की दृष्टि है। तो अगर प्रिय की दृष्टि से हम जब तुलन शुरू करते हैं तो ऐसे विकल्पों को जनरेट करना शुरू करते हैं जिसमें स्वाद प्रमुखता से हो, शरीर का पोषण हो या ना हो वो मुद्दा नहीं रहता। तो जिन जिन चीजों में स्वाद को जोड़ रखा है हमने, उन चीजों को प्रमुखता से विकल्प जनरेट करने लगते हैं कि ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। अगर हित की दृष्टि काम कर रही है तो तुलन में, तो विश्लेषण में ऐसे विकल्प जनरेट करने लगते हैं जिससे शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन रहे, शरीर का पोषण हो, वो प्राथमिकता से जनरेट करने लगते हैं विकल्पों को। तो कई विकल्प उसके भी दिखते हैं। तो तुलन में दृष्टि कौन सी काम कर रही है हमारी, अकॉर्डिंगली हम विकल्पों को जनरेट करते हैं। फिर इसी तरह के आस्वादन से सुखी होने का जो हमारे भीतर चित्रण है, उसका कोई ना कोई आस्वादन हमारे भीतर बैठा हुआ है। उस आस्वादन के आधार पर जो भी विकल्प हमने जनरेट किया है उसका चयन करते हैं। तो चार चीज खाने का विकल्प जनरेट किया पिए की दृष्टि से, उस चारों में से किसी एक का चयन करते हैं, उसका जो आस्वादन हमारे भीतर बैठा हुआ है कि इसको खाएंगे तो ऐसा स्वाद मिलेगा, उससे सुखी हो जाए। चित्रण से तुलन, तुलन से विश्लेषण, विश्लेषण से आस्वादन और आस्वादन से चयन। तो चयन के बाद शरीर को आदेश देते हैं कि ये वाली मिठाई उठाओ और खाओ। तो शरीर उस मिठाई को उठाता है, फिर खाता है, फिर जीभ में कुछ हलचल होती है ना। जीभ में भी हलचल हो रही है, कान में भी हलचल हो रहा है, क्योंकि सभी संवेदी अंगों पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है बाहर से। उसमें से किसी एक का हम चयन करते हैं, फिर उसका आस्वादन करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर तुलन की दृष्टि, जिस दृष्टि से उसको हमने किया ये सारा कुछ, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। फिर इमेजन में जो उससे हमने सुखी होने का चित्रण बना रखा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ये अपने भीतर क्रम से होता हुआ हम देखते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आता हुआ देख सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी उस एरो को जाता हुआ देख सकते हैं। एक बात तो ये है जो आपका पहला प्रश्न, अगर इस पर आपको कुछ और कहना है तो उसको सुन लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। नहीं, ये तो क्लियर हो गया। ये नीचे वाला इमेजिंग और एनालाइजिंग, कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, टेस्टिंग, ये तुलन, आस्वादन, चयन, विश्लेषण, चित्रण है। और फिर ऊपर में जो है, जो ये पिंक कलर का है, जैसा भी ये रिलेटेड टू प्रिय हित लाभ, और ऊपर में पिंक वाला जो है न्याय धर्म सत्य, ये इसका कैसे होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि अवेकनिंग होने से यहाँ तक पहुंचते हैं, अदरवाइज हम इतने में नीचे में ही रह जाते हैं। जी, तो उसको और ठीक से देखें तो हम पूरे अस्तित्व को ही समझने के लिए अपने विषय वस्तु के रूप में एक को सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले तक तो बहुत सारा आस्वादन से सुखी होने का, संवेदना से सुखी होने का प्रयास करते हैं। जब ये ध्यान जाता है कि संवेदना से अधिक भी कुछ है तो क्या है, भाव है, भाव से अधिक भी कुछ है, समझ है। ये पूरा अस्तित्व अस्तित्व पूर्वक है, एक समझ भी है उसकी। तो इन सब पे जब ध्यान जाता है तो हम खाली संवेदना को पाकर उससे सुखी होने का जो प्रयास कर रहे थे उस पर अपनी पूरी कल्पनाशीलता लगा रहे थे, अब भाव को भी समझकर अपने में सुनिश्चित करने के लिए अपने भीतर काम शुरू करते हैं। उससे फिर संबंध पर ध्यान जाता है।
मानव मानव संबंध पर ध्यान जाता है, फिर मानव और जो शेष इकाइयां हैं अन्य इकाइयां मानव के अलावा उनके साथ भी जो संबंध है उस पर ध्यान जाता है। तो दिखता है बहुत सारी इकाइयां बाहर दिख रही हैं, उनके साथ हमारा संबंध है। उस संबंध में कौन सी भागीदारी हमको सहज रूप से स्वीकार्य है उसको हम अपने भीतर जांचना शुरू करते हैं। तो सम्मान का कि अपमान का, स्नेह का कि द्वेष का, शोषण का कि पोषण का, इस तरह की बहुत सारी भागीदारी को हम अपने भीतर जांचने की कोशिश करते हैं तो कुछ निश्चित उत्तर आता है। तो उसी को कह रहे हैं चिंतन की क्रिया में हम जागृत हो गए। चिंतन की क्रिया में हमको चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कहाँ क्या भागीदारी है। फिर ये ध्यान जाता है कि हर एक इकाई है अपने आप में एक व्यवस्था है और इतनी तरह की इकाइयां हैं, ये सब भी परस्परता में परस्पर पूरकता पूर्वक संबंध का निर्वाह कर रही हैं और इतना बड़ी ना पूरा प्रकृति समूह जो है हमारा अनंत इकाइयों का समूह एक व्यवस्था के रूप में बना हुआ है। तो व्यवस्था पर, इस पूरी व्यवस्था पर ध्यान जाता है कि जंगल भी एक व्यवस्था है, पूरी पृथ्वी एक व्यवस्था है, पूरा सौर मंडल एक व्यवस्था है, पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को समझने पर ध्यान जाता है। फिर और ऊपर जब उठते हैं इसमें तो अनुभव की क्रिया अर्थात स्पेस है और इकाइयां भी, नीचे जहां तक थे बोध तक वहां तक इकाइयों पे फोकस था अभी तक। अनुभव की क्रिया में ये स्पेस भी हमारे ध्यान में आता है कि ये भी कोई समझने की वस्तु है, ये भी कोई रियलाइज करने की वस्तु है, मतलब वास्तविकता है। वस्तु कहने से इकाई का सेंस जाता है, ये भी कोई वास्तविकता है ना। और इकाइयां हैं, इकाइयों का इनके साथ क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है, उस सबको हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो ये दिखाई देता है कि स्पेस भी है, इकाइयां भी हैं। इकाइयां स्पेस में इको एग्जिस्टेंस में एनर्जाइज्ड हैं, अनियंत्रित हैं और परस्परता में संबंध को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। तो तीनों बातों को हम अपने भीतर अपने सेल्फ के लिए भी रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, परमाणु के लिए भी, एक पेड़ के लिए भी, एक पशु के लिए भी, एक है ना पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे सौर मंडल के, छोटे से लेकर पूरे तक को अपने भीतर ना एक एक करके रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। ध्यान आता है कि हर इकाई शून्य के साथ अस्तित्व में उर्जित है, स्वयं में एक व्यवस्था को बनाए हुए है और परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। इसी को कह रहे हैं कि अनुभव की क्रिया में अवेकन होना। जब अनुभव की क्रिया में हम जागृत हुए, हर जगह जो हमको सहअस्तित्व स्पष्टता हुई, हम अब सहअस्तित्व पूर्वक ही जिएंगे, इसका हमने एक नेचुरल डिसीजन है अपने भीतर बनाया, उसी को कह रहे हैं प्रमाण की क्रिया। अब उस इकाई और शून्य के सहअस्तित्व का जो अनुभव हुआ उस पर ध्यान देते हुए हम जब पूरी प्रकृति पर ध्यान देते हैं तो पूरी प्रकृति को चार अवस्था में पाते हैं और उसमें परस्पर पूरकता का निर्वहन होते हुए अपने भीतर देख पाते हैं। तो पूरे प्रकृति में व्यवस्था की हमको स्पष्टता होती है। अब हम उसी व्यवस्था के अर्थ में जिएंगे, उसका एक नेचुरल डिसीजन अपने भीतर बनाते हैं, तो अब वो संकल्प की क्रिया में जागृत होते हुए अपने को पाते हैं। और उस पूरी व्यवस्था में हमारी क्या निश्चित भागीदारी है, अब उसको अपने भीतर एक्सप्लोर करते हैं। चिंतन की क्रिया में हम जागृत हैं। अब जो निश्चित भागीदारी उस व्यवस्था के अर्थ में हम देख पा रहे हैं, उसी के आधार पर अपने चित्रण को वैसा ही चित्रण सुनिश्चित करते हैं और अकॉर्डिंगली नीचे उसको फैलाते हैं। तो जब दसों क्रियाओं में अवेकेंट होते हैं तो वो इस तरह से आता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इसका मतलब ये अवेकन होने से इमेजिंग में भी चेंज हो सकता हो जाएगा, इमेजिन व्यवस्थित होते होने लग जाते हैं। हाँ मतलब चित्रण में भी पहले जैसा अगर अवेकन नहीं हुआ है तो चित्रण एक तरीके का रहेगा और फिर ये ऑथेंटिकेशन और रियलाइजेशन अनुभव प्रमाण के बाद तब फिर उसमें हाँ रीऑर्गेनाइज करेक्ट करेक्शन हो जाएगा, वो ठीक से हो जाएगा। राइट ओके हाँ तो इसी अनुभव की क्रिया में जागृत हो रहे हैं तो वहां सास्तित्व जो स्पष्ट हो रहा है वो सत्य है। व्यवस्था का जो बोध हो रहा है वहां पर है ना, हम लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं हार्मनी व्यवस्था है, को एग्जिस्टेंस हार्मनी और जस्टिस, ये जो चिंतन के स्तर पर तो जो B1 ब्लॉक सेकंड हुए वहां से ये तीनों दृष्टियां और हमारे भीतर विकसित हुई। तीन पहले से थी तो 6 दृष्टियां हो गई तुलन में। अब ये प्रिय हित लाभ ऊपर जो न्याय धर्म सत्य हमारे अंदर स्पष्ट हुआ वो हमारे लिए हित लाभ की दृष्टि को व्यवस्थित करती है और हम कंप्लीट तुलन के साथ पूरा विश्लेषण कर पाते हैं।
और अकॉर्डिंगली चयन आस्वादन कर पाए। जी जी इसका मतलब वो न्याय धन सत्य वहां पे अगर ठीक ऑर्गेनाइज हो गया तब यह प्रिय हित लाभ में इसमें जो चेंजेस लाना है वो चेंजेस तभी हो पाएगा। जी 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 अब आपके दूसरे प्रश्न पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैं कुछ उसमें एलोबरेशन कर देता हूँ फिर उसको देखेंगे। तो पूरे अस्तित्व में देखेंगे, दीदी वो वाली स्लाइड लगा दीजिए नेक्स्ट जो लगी हुई थी। पूरे अस्तित्व में देखेंगे, पूरे प्रकृति समूह को देखेंगे तो दो तरह से देख सकते हैं। छोटे छोटे घटना को छोटे छोटे पार्ट में देख सकते हैं या पूरे को कम्प्लीटनेस में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहीं सड़क के किनारे जा रहे हैं, बरसात का मौसम है, पेड़ के बहुत सारे पत्ते गिर गए हैं नीचे और वो सड़ रहे हैं, बहुत सारी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो हमको लगता है कितनी अव्यवस्था हो गई है। ये अव्यवस्था है ना, ये मैस है, मतलब कंप्लीट जो है क्योस हो रहा है यार, इतनी दुर्गंध आ रही है। जब पूरे साइकिल को देखते हैं तो ये ध्यान आता है कि पेड़ है, पेड़ के पत्ते टूटते हैं है ना, फिर जमीन पे गिरते हैं, सड़ते हैं, खाद बनते हैं, फिर वो पेड़ की जड़ों में जाते हैं, वापस पेड़ उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर नए पत्ते निकल आते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। साइकिल में जहाँ पत्ते टूट गए हैं उनका सड़ के वापस जो है मिट्टी में जो बदलने की प्रक्रिया है उसमें कुछ तरह की गैसेज रिलीज हो रही है जिसको हम बदबू कह रहे हैं, लेकिन वो भी एक व्यवस्था का ही भाग है, वापस पूरे साइकिल को कंप्लीट करें। ऐसे ही मटेरियल में देखेंगे तो मटेरियल में कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन चल ही रहा है ना, तो कंपोजिशन भी हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, गठन गठन भी हो रहा है, विघटन भी हो रहा है। तो बर्फ बन रहा है, फिर धीरे धीरे पिघल के पानी पानी बन जा रहा है, बादल बन रहा है, फिर धीरे धीरे बरस के फिर पानी बन जा रहा है, तो गठन विघटन चल रहा है ना। छोटे कमरे को देखते हैं तो लगता है बड़ी बाढ़ आ गई, बड़ा चक्रवात आ गया, लेकिन पूरे जब पूरे सिस्टम को देखते हैं तो दिखता है कि ये बहुत सारा जो चक्रवात भी आ रहा है पूरे पृथ्वी पर, जो टेम्परेचर सिस्टम है, जो पूरे पृथ्वी पर व्यवस्था है, उस अर्थ में तेज आंधी का आना भी जरूरी है ना, उससे एक तरह की व्यवस्था हो रही है। पूरे साइकिल को देखते हैं तो हम उसका रोल व्यवस्था के अर्थ में देख पाते हैं, खाली उस घटना को जब देखते हैं तो लगता है इसके कारण बहुत सारा क्योस हो रहा है। तो वो दोनों दृष्टि को ध्यान में रखकर विश्लेषण अगर हम करते हैं तो थोड़ा और चीजें क्लियर हो पाती हैं। इतनी बात कहूंगा। हाँ राइट राइट ठीक है। मतलब इन टोटलिटी में देखना है न कि एक एक छोटा छोटा इवेंट जो है इसको देखना है। जी। थैंक यू बहुत जी भैया, ये बता रहे थे कि इस चीज को लॉजिकली जो है वो तो कर पा रहे हैं कि आधार में सह अस्तित्व है और इकाइयां जो है सो उसमें संपृक्त है, डूबी है, घिरी है, भींगी है। कई सारा अपने से प्रश्न भी पूछा, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हाइड्रोजन हीलियम सूर्य में ऊर्जा आया तो क्या, फिर क्या, करते करते लास्ट में ठीक है उसको लॉजिकली वो चीज कर पा रहे हैं कि आधार में सह अस्तित्व है, सुनते भी आ रहे हैं तो सूचना के रूप में है, तो इसको भैया कैसे कर पाएंगे, कैसे वो हम उसको अंडरस्टैंडिंग का हमारा हिस्सा हो पाएगा कि जो अस्तित्व जो है सह अस्तित्व पूर्वक ही है। ये कल का जब गृह कार्य कर रहे थे तो ये चीज मन में आया तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। जी भैया जी, तो आप अपने में इस बात को रिफ्लेक्ट करके देखिए कि पेड़ और एक और जिस मिट्टी पर वो पेड़ खड़ा है दोनों में जी संघर्ष है या सहअस्तित्व है, जी उसको बिल्कुल अपने भीतर रिफ्लेक्ट क्या लगता है, संघर्ष है सहअस्तित्व है। नहीं, सहअस्तित्व है, उसके साथ वो संबंध को करके निर्वाह कर रहा है, उसमें से मिट्टी हटा देंगे पेड़ में से तो वो जड़ में मटेरियल ऑर्डर में कन्वर्ट, उसका ग्रोथ बाधित हो जाएगा। तो दोनों में अस्तित्व है ना, और हम देख पाते हैं व्यवस्था है ना। ऐसे आप देखिए तो आपका सेल्फ है, इस जी सेल्फ ना कभी एक्टिव है कि कंटिन्यूअसली इसमें क्रिया चल रही है। नहीं, इसमें चल रही है क्रिया तो चल रही है, इसको तो देख पा रहे हैं।
हम स्पेस में रहते हुए ऊर्जित हैं, हम सेल्फ के इस क्रिया के लिए कोई ऊर्जा अलग से नहीं दे रहे, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका कोई भी फिजियो केमिकल कंपोजिशन सेल्फ को नहीं जाता जी है ना। ऐसे जी आप देखेंगे तो जो पत्थर आपके सामने रखा है उसमें बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे बिल्कुल परमाणु से इलेक्ट्रॉन है, वो सब एक्टिव है कि हमको सेल लगाकर उनको एक्टिव करना पड़ रहा है। नहीं, वो एक्टिव है, सेल लगा के नहीं कर सक पा रहा है। करना जी था तो जी स्पेस में रहते हुए को स्पेस के को एग्जिस्टेंस में एनर्जाइज्ड है, जी इतना सोलर सिस्टम, आकाश गंगा, इतने सारे तारे, ग्रह, जी ये सब एक्टिव है, या इनको एक्टिव करने के लिए कोई हम लोगों को थर्मल पावर स्टेशन लगा के एनर्जी देना पड़, देखते हो सब एक्टिव है ना। परमाणु नहीं को देखे तो उसकी व्यवस्था को बनाने में आदमी कुछ कर रहा है, वो अपने आप में एक व्यवस्था है। नहीं वो व्यवस्था है अपने आप पूरे में। सौर सौर मंडल को देखें तो वो भी अपने आप में एक व्यवस्था है। बिल्कुल तो हम देख पाएंगे कि स्पेस है, स्पेस में इकाइयां हैं, और स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में ऊर्जित है, स्वयं में व्यवस्था है, परस्परता में पहचानना निर्वाह करना कर रहे हैं, और एक बड़ी व्यवस्था सजी हुई है ना। तो जो स्लाइड आपके सामने है ना, जी मैं देखेंगे तो ये पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, और ये ज्ञान अवस्था में भी देखेंगे तो ना, मतलब इस पूरे को, पूरे प्रकृति को ही देखेंगे तो इस पूरे एग्जिस्टेंस के होने के लिए है ना, एटम से लेकर पृथ्वी से लेकर और पूरे सौर मंडल, ये बंद, ये हो जाए, उसमें प्राण अवस्था का प्रकटन हो जाए, जीव अवस्था का प्रकटन हो जाए है ना, मानव के लिए शरीर का प्रकटन हो जाए, हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस में आ जाए, ये सब के होने के लिए हमने आपने कुछ किया है या ये सब उपलब्ध है? उपलब्ध ये सब उपलब्ध है भैया। तो को एग्जिस्टेंस, कार्या स्पेस के को एग्जिस्टेंस में उपलब्ध है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर, हमने अपने सेल्फ के होने के लिए भी कुछ नहीं किया, वो भी नहीं एग्जिस्टेंस में उपलब्ध है। अब उपलब्ध है हमारे अभी। पास ना, और ये जो पूरा अस्तित्व तो है, इतनी बड़ी व्यवस्था, अगर है ना सौर मंडल, आकाश गंगा, इन सब में हम पृथ्वी के वजूद को ढूंढने जाएं तो दीवार पर लगे एक डॉट से ज्यादा बड़ा वजूद नहीं होगा, शायद डॉट भी बड़ा वजूद होगा बिल्कुल बिल्कुल भैया। है ना। और ऐसे पृथ्वी जैसे जाने हजारों लाखों कितने ग्रह गोल, पूरा व्यवस्था को फिर हम अपने भीतर देखेंगे तो धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को है ना महत्व दे पाएंगे, और ठीक से अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके समझने के लिए और गहराई से प्रयासरत होंगे तो उतनी स्पष्टता से और देख पाएंगे, और यहाँ पर बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, चीजों को सीधे सीधे देखने का जरूरत है, मैं उन एनर्जाइज्ड हूँ ये सीधे सीधे देखूंगा, पेड़ और मिट्टी परस्पर पूरकता का निर्वहन कर रहे हैं, वो सीधे सीधे देखने का बात है ना। तो बढ़िया है, यात्रा जारी रखिए, क्या कहें। जी भैया, यदि और दीदी भैया का समय बाधित नहीं हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं या मैं अगले सत्र में पूछ लूं? पूछ लीजिए, अभी एक लोगों का हैंड रेज है आपके पास, तो आपके प्रश्न को एड्रेस कर लेता हूँ। जी वही मतलब पूछना था। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज प्रकृति में, सृष्टि में, व्यवस्था में ही है, सो हमें हमारा सेल्फ भी उपलब्ध है, तो वो मनुष्य के सेल्फ में भैया ये कल्पनाशीलता में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्यों गड़बड़ी आ गया? क्या प्रकृति ने हमें इतना अपने से करने के लिए दिया है कि तुम अपने कल्पनाशीलता को सही बना करके रखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सही रखो और सुखी हो? यदि हमारे कल्पनाशीलता शुरू से ही इतना गड़बड़ी नहीं होता, ये जो हम लोग इतना उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, सब चीज नेचर को बिगाड़ दिए, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, ओजोन लेयर में हो गया, घर में झगड़ा हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा, तो ये तो नहीं होता ना, तो ये गड़बड़ी हुआ ही क्यों? ये प्रश्न मेरा है। हो सकता है मेरा थोड़ा वैसा प्रश्न हो, मतलब इडियोसी टाइप का या वाट एवर जो भी आप कहें उसको, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अभी इसको देखेंगे तो एक बात फिर टोकूंगा मैं थोड़ा इस पर, कल जो कह रहा था, एक तो सेल्फ को और सॉफ्टवेयर को बहुत कंपेयर करने की जरूरत नहीं,
जी बिल्कुल सॉफ्टवेयर में जो बिल्कुल बना रहे हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ये सब पहचानना निर्वाह करना है, उसमें जानने मानने की क्रिया नहीं है। नहीं है कोई चैतन्य इकाई का इक्विवेलेंट उदाहरण है ऐसा नहीं है, जी क्योंकि बिल्कुल चैतन्य को तो सीधे सीधे अपने में ही समझना पड़ेगा। तो समझ में जाते हैं तो ये दिखता है कि शरीर है और सेल्फ भी है, ये है, जी हमारी जी कल्पनाशीलता भी है ना, कल्पनाशीलता भी है, हमको बनानी पड़ती नहीं है है, और हाँ सहज स्वीकृति भी है, वो बिल्कुल बिल्कुल है या हमको आपको अपने में बनाना पड़ता है, नहीं नहीं वो है है। और सहज स्वीकृति किस बात की है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व की है या संघर्ष अव्यवस्था और विरोध की है। नहीं सब भैया वही है, मैं कह रही हूँ मैं महाराणा प्रताप में गई थी आ रहा हूँ बस, एक एक स्टेप। पहले तो उसको अपने भीतर देखिए कि संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व की ही सहज स्वीकृति है या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष की सहज स्वीकृति है। हाँ जी भैया बिल्कुल ठीक है बिल्कुल संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व की ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया अब आप देखेंगे तो ये जो हमारी आपकी कल्पनाशीलता है, हमारे पास ये चॉइस तो है कि हम कल्पनाशीलता जो हमें सहज स्वीकार है वैसा चलाएं या मानने की क्रिया के आधार पर चलाएं, है ना। तो सिर्फ मानने की क्रिया के आधार पर, तो जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये चारों क्रियाएं हमारे भीतर हैं। हम जो सहज स्वीकार है उसको जानने की क्रिया में लाकर उसके अकॉर्डिंग मानने की क्रिया को करके फिर पहचानना निर्वाह करना करते हैं, तो इस अस्तित्व की व्यवस्था में उचित भागीदारी कर पाते हैं, जो हमारी निश्चित भागीदारी, जी और उसके उसको करते हुए हमारे भीतर हार्मनी बनी रहती है ना। जी जी लेकिन अगर हम अपने सहज स्वीकृति को, संबंध व्यवस्था अस्तित्व को ध्यान नहीं देते और सिर्फ मानने के आधार पर कल्पनाशीलता चलाते हैं, तो हम अपने में ही दुखी और है ना डिसहार्मनी में बने रहते हैं। तो हमारा हार्मनी में होना या डिसहार्मनी में होना, ये भी हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमारे हम तो कर रहे हैं, या ये एक तरह से अगर हम सहज स्वीकृति के को समझ कर निर्णय ले रहे हैं तो हार्मनी में जा रहे हैं, सहज स्वीकृति को इग्नोर करके निर्णय ले रहे हैं तो डिसहार्मनी में जा रहे हैं। ये भी सहअस्तित्व का ही एक तरह से एक्सप्रेशन है, या हम आप तय कर रहे हैं इसको। ये भी उसका एक्सप्रेशन है सहअस्तित्व का जी देखेंगे तो चॉइस तो है हमारे पास मनमानी का एक तरह से, लेकिन दूसरी तरह से हमारे में निरंतर सुखी होने की मूल चाहना बनी हुई है, ये भी हमने आपने नहीं बनाया, ये भी नेचुरल तरह से हर मानव में बना हुआ है। तो जो बनाओ भी ये मनमाना चॉइस मानव कर रहा है, उससे उसका जो मूल चाहना है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, उसका भी एक फिक्स डिजाइन है, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस के अर्थ में होने से पूरा हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरी तरह से देखने जाएंगे तो अपने पास बहुत मनमानी का अवसर नहीं है, सिर्फ तभी तक अवसर है जब तक हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, है ना। जी तो बहुत ना क्योस जैसा डिजाइन नहीं है, जी जी अभी हम में विकास की प्रक्रिया चल रही है, मानव के सेल्फ में जानना पूरा हो जाए तो हर एक सेल्फ विकसित हो सकता है ना, और कंप्लीट व्यवस्था को समझकर उसमें पूरी तरह से भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। तो मनुष्य में इतना स्कोप प्रकृति ने दिया है कि तुम्हें जो हमने ये सहज स्वीकृति इंडिकेटर दुखी और सुखी होने वाला दिया है उसका तुम यूज करो और तुम सह अस्तित्व के रिफ्लेक्शन उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जियो तो तुम्हारा जो नेचुरल एक है तुम्हारी जो एक सह स्वीकृति एक इच्छा जो तुम्हारी है सुखी होने की वो पूरी होगी इसको ऐसे कहना सही तो होगा उसी भैया क्रम में देखेंगे तो डिसहार्मनी जो हमारे भीतर है वो इस बात का इंडिकेटर है कि हमने अस्तित्व को ठीक ठीक नहीं समझा है और कुछ जी मान के कर रहे हैं, इस बात का इंडिकेटर है डिसहार्मनी। बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व बिल्कुल को ठीक ठीक समझ लिया है हमने, है ना, और वैसा हम अपनी कल्पनाशीलता को सुनिश्चित करके जी रहे हैं, तो हार्मनी उसका इंडिकेटर है ना। तो ये हार्मनी इस बात का इंडिकेटर है कि हमने अस्तित्व को ठीक ठीक समझा है, जाना है, वैसा जी रहे हैं, तो जी इसका इंडिकेटर है। भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया जी 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 तो भैया जब मे भी मेरा रिपीट हो सकता तो वही है कि जब हम किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत विरोध में होते हैं
तो जब वो इस तरह का मतलब इसका मतलब है कि वो ये चीज अभी देख नहीं पा रहे, अपने में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो वो अपने मन को अपने दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे अब झगड़ा हुआ तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने से थोड़े वो सुखी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उस समय वो उन चीजों को उनके अंदर जो संबंध व्यवस्था पे धर्म न्याय वाला संबंध व्यवस्था अस्तित्व वाला उसको वो देख नहीं पा रहे, उनको लगता है कि तत्क्षण किसी का मर्डर कर देने पर मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, यही हो सकता है ना। अभी सबको अपने भीतर देखने की कोशिश करें कि छोटा बच्चा है, कुछ जिद जी कर रहा है और हमने खींच के एक तमाचा मार दिया। उस तमाचा मार देने से क्या हुआ ना, बिल्कुल उसके रिएक्ट से हम बेचैन हो रहे थे ऐसा हमने मान लिया और हमने उसको तमाचा मार कर रोका ना। अब उसको ठीक से देख लें कि तमाचा मार देने भर से हमारी बेचैनी दूर हो गई। हमारी बेचैनी दूर हो गई है उसके उस जिद के लिए शरीर को दंड देने से, समझ विकसित है। बिल्कुल ठीक, आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है भैया, ये एकदम जांचने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मर्डर जैसे चीजों को बहुत बीच में लाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटे घटनाओं से भी जांच हो जी सकती है। जी भैया बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जी, नहीं ठीक है ना भैया। जी भैया धन्यवाद, सबका धन्यवाद जी। कल उस पर भी बात किया था हम लोगों ने कि एक बार सेल्फ को समझ पाते हैं, पूरे अस्तित्व को समझ पाते हैं, जानने की क्रिया हमें एक्टिवेट हो पाती है, तो हम अपने को भी ठीक से समझ पाते हैं, पूरे अस्तित्व को भी समझ पाते हैं। तो ये ध्यान जाता है कि हम सिर्फ जड़ नहीं है और पूरा अस्तित्व सिर्फ मटेरियल नहीं, हम सेल्फ और बॉडी दोनों के को एग्जिस्टेंस है, जड़ और चैतन्य दोनों के को एग्जिस्टेंस है और पूरा अस्तित्व में स्पेस भी है और इकाइयां भी हैं। इकाइयां दो तरह की हैं, जड़ और चैतन्य और स्पेस, ये तीसरी वास्तविकता। तो अब हम तीनों पर ध्यान देते हैं, सेल्फ को भी समझकर, सेल्फ में जो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के साथ स्वीकृति है अपने भीतर, और ऐसा अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने का भी काम करते हैं जिससे हम खुद में सुखी होते हैं, हमारे सेल्फ का विकास होता है, चेतना का विकास होता है। एक बार जब अपने में हम दसों क्रियाओं में जागृत होते हैं तो हम ये ध्यान दे पाते हैं कि चैतन्य भी है इस अस्तित्व में, और भी बहुत सारे चैतन्य है, सेल्फ की इकाइयां हैं, और जड़ भी है, मटेरियल भी है, और ये स्पेस भी है। तो अब ये सब पर ध्यान देने जाते हैं तो ये जो हमारा सेल्फ है, साथ साथ ये जो शरीर है, मेरा शरीर है, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों का शरीर है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उसको भी पहचान पाते हैं, निश्चित कर पाते हैं, उससे अधिक जुटाने के लिए स्किल्ड हो पाते हैं और समृद्धि पूर्वक जीने पर भी परिवार में ध्यान दे पाते हैं। साथ साथ दूसरे चैतन्य की आवश्यकता सही समझ सही भाव से ही पूरी होगी, उसके शरीर की आवश्यकता मटेरियल से पूरी होगी, तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ सही समझ सही भाव के साथ प्रस्तुत होते हुए उसका सही समझ सही भाव हो सके उस अर्थ में सहयोगी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भी सही समझ और सही भाव को ध्यान दे पाता है, फिर हम दोनों संबंध में विश्वास पूर्वक एक दूसरे के साथ जी पाते हैं, न्यायपूर्वक जी पाते हैं, और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता है तो आपस में अभय होता है। फिर ये भी ध्यान जाता है कि हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो निश्चित है, तय हो पाता है। प्रकृति पर भी ध्यान जाता है, पूरे अस्तित्व पर ध्यान जाता है कि बहुत सारी इकाइयां, बहुत सारी चीजों का उत्पादन हो ही रहा है और हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक का उत्पादन हो रहा है, तो हम प्रकृति का बहुत सारा जो शोषण कर रहे हैं है ना, उस पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उससे बाहर आ पाते हैं और उससे बड़ी दृष्टि को और फैल के देख पाते हैं कि पूरा अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है, पूरा अस्तित्व पूरा अस्तित्व सअस्तित्व है, देख पाते हैं और वैसा जीने के लिए प्रयासरत हो पाते हैं। तो धीरे धीरे जो पूरा समाज है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमानवीय समाज से मानवीय समाज की तरफ। तो ये दोनों ही काम पर ध्यान जाता है, एक तो चेतना के विकास पर और ये समाज के विकास पर, अमानवीय समाज से मानवीय समाज की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों को ध्यान में रखकर हम शिक्षा को डिजाइन करते हैं, शिक्षा में इस पर काम करते हैं और ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सके उसके लिए प्रयास करते हैं। कल नमस्ते, नमस्ते विकास जी। सभी को नमस्ते भैया। मेरा
प्रश्न जो पहले दीदी बात कर रही थी उसी के थोड़ा संदर्भ में था, पर वो बात मेरे लिए थोड़ी ठीक बैठी नहीं, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि अस्तित्व में शेष प्रकृति का कार्य व्यवहार बिना जाने यदि निश्चित है, तो मानव के लिए जानने के बाद ही कार्य व्यवहार निश्चित होना है, ऐसा मानव का डिजाइन क्यों बनाया गया? दूसरा प्रश्न ये है कि अस्तित्व या प्रकृति में मानव की क्या भागीदारी है, इसका चुनाव करने की स्वतंत्रता मानव में ही क्यों है? प्रकृति में जो और जीव या प्राणी हैं उनको तो चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु फिर भी वो प्रकृति में अपनी भागीदारी को जैसा है वैसा निभा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि मानव को स्वतंत्रता दी गई है भागीदारी चुनाव करने? ये दो प्रश्न हुए। जी दीदी, लाल पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए। तो देखेंगे तो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और ज्ञान अवस्था है। पदार्थ जी अवस्था और प्राण अवस्था में ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें जो पदार्थ अवस्था में है वो प्राण अवस्था में है ही, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था में नहीं है, प्राण अवस्था में है। ऐसा आप देख पाते हैं क्या? जी है ना, तो जैसे पदार्थ अवस्था में भी रचना विरचना हो रहा है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है कि 4 फीट का लोहा है 6 फीट का हो जाए कम। लेकिन प्राण अवस्था में भी रचना विरचना हो रहा है जो कि पदार्थ अवस्था में हो रहा है, लेकिन ग्रोथ भी हो रहा है ना। तो देखेंगे तो पदार्थ अवस्था से की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज, मतलब जो भी हमको ये सब दिख रहा है वो एज इट इज प्राण अवस्था में भी दिखेगा, लेकिन कुछ एडिशनल है। अब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था में देखेंगे तो जो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में आपको दिख रहा है उतना जीव अवस्था में भी दिखेगा, लेकिन कुछ एडिशनल भी है। ये देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं। इसमें एक चीज हाँ, और दिख रही है कि उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से। एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ भैया, कि इसमें एक चीज और दिख रही है कि पदार्थ अवस्था के आगे की जो अवस्थाएं हैं उनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी भी है, वो अपने आप अपनी तरह की स्पेशीज को रीजनरेट कर सकते हैं तो इससे कुछ कुछ पहले कि वे उसमें, मर। हाँ कुछ कुछ उसमें एड ऑन होता जा रहा है। तो अब जीव अवस्था और प्राण अवस्था में देखेंगे तो कुछ और एड ऑन है, ऐसे ही मानव में और जीव अवस्था में देखेंगे तो कुछ और एड ऑन है। तो ये है, इसका हमें अध्ययन करके सदुपयोग करना है। अब हम वापस सारे पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को पदार्थ अवस्था में बदल दें, या सारे जीव अवस्था को प्राण अवस्था जी पदार्थ अवस्था में बदल दें, या सारे ज्ञान अवस्था को जीव अवस्था में लाके खड़ा कर दें, ये भी एक रास्ता है ना। तो जो है अस्तित्व में उसका अध्ययन हो सकता है। तो हर एक अवस्था में कुछ ग्रोथ, कुछ एक तरह से ग्रो हो रहा है, एडवांस एक्टिविटी जुड़ रही है। उसी तरह से ज्ञान अवस्था में भी जानना एक एडवांस एक्टिविटी है ना। और ये जानने की क्रिया हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मानव की ज्ञान अवस्था की ताकत है ना। सिर्फ मानने के आधार पर पशुओं को जीता हुआ देख रहे हैं तो वैसा भी जीने का प्रयास करके देख सकते हैं, अगर उससे तृप्ति हो सकती है तो। इसमें सर भैया मेरा केवल इतना था कि जैसे ये जो विकास का क्रम जो बन रहा है, विकास का क्रम शरीर की क्रियाओं में और सेल्फ की क्रियाओं में दोनों में एक साथ बन रहा है, या शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी मतलब दोनों एक साथ ही विकास हो रहा है ना, दोनों की क्रियाओं में कुछ कुछ चीजें जुड़ रही हैं? वही तो आप देखेंगे तो मानव शरीर और पशु शरीर में है ना, एक तरह से जो रचना विरचना है, जो ग्रोथ है ना, और जो अन्य चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है पशु शरीर में और मानव शरीर में। जिस तरह का संरचना वाइज कुछ डिफरेंस है, बट जैसे ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है ना, तो उन सब चीजों को देखेंगे तो पशु शरीर और मानव शरीर में एक जैसी ही। लेकिन पशु का शरीर, पशु का सेल्फ चयन आस्वादन करता हुआ दिखाई देता है ना, उसमें चयन आस्वादन है। और जो जो जिस भी शरीर में पशु है उसने अपने आप को वो शरीर के रूप में ही स्वीकार रखा है, बहुत सेल्फ पर उसका को नहीं है ना, तो उतने के साथ वो निर्वाह कर रहा है। आदमी में देखेंगे तो आदमी में सेल्फ की और क्रियाएं अवेकेंड है ना, और बाकी के और अवेकेंड हो जाने की संभावना है।
कितना एड ऑन है। तो आदमी में देखेंगे तो सिर्फ चयन आस्वादन नहीं है, तुलन विश्लेषण भी है, चित्रण भी है, और थोड़ा ध्यान देता है तो चिंतन का भी कुछ अंश सहज स्वीकृति के रूप में अपने में देख ही पाता है। तो अब जो विकास होना है आदमी में, तो क्रियाओं में जागृति का ही होना है। मैं भैया बस इतना ही, मेरा मतलब अभी पूरा ठीक बैठा नहीं है कि ये जो स्वतंत्रता मानव में ही दी गई है उससे मानव में जो, उपलब्ध है जी, हाँ उपलब्ध है मानव को ही, के में ही है जो मानव है, वह उसके तो और थोड़ा अलावा जो पीछे बाकी जाएंगे, है। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो पशु में भी एक तरह का चॉइस तो उपलब्धि है कि वो हरी घास खाए कि सूखी घास खाए, हाँ, इस नदी परंतु में उसको पानी अपनी पिए भागी या उस अपनी नदी में पानी पिए, है ना, इस पेड़ परंतु का उसको अपनी पत्ता खाए या भागीदारी, उस पेड़ का पत्ता खाए, है ना। ये ठीक है, लेकिन उसको अपनी भागीदारी तो निश्चित करने का स्वतंत्रता नहीं है कि मेरी क्या भागीदारी होनी चाहिए, कि मैं ऐसा काम करूंगा कि ऐसा काम करूंगा। वो तो जो प्रकृति प्रदत्त उसका एक निश्चित किया गया धर्म है, वो उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। जी, तो मानव में भी जो जानने की क्रिया है वो भी प्रकृति प्रदत्त ही है, सेल्फ सेल्फ भी प्रकृति का ही एक यूनिट, और अभी उसका जो दसों क्रियाओं में जागृत होकर विकसित विकास का कंप्लीट होने का जो काम है उस क्रम में हम आप चल रहे हैं। अब या तो वापस हम जो है जड़ हो जाए या आप पूरी तरह से जागृत हो जाए, दोनों में अभी भी चॉइस है। जैसे जैसे भैया मैं मतलब लॉकडाउन जो लगा था थोड़ा पहला समय वाला, अच्छा अपना समय 5 मिनट अधिक हो चुका है, अगर ठीक आप है सर, उस कर दे, एक्सप्लेनेशन को कल कर चलो सके।